हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आओ बातें करें। दोस्तों, बच्चों में टूथ कैविटी एक आम समस्या है। बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जैसे चॉकलेट, कैंडी या मिठाई। खेलते खेलते खाना या खाने को देर तक मुंह में रखना, ये आदत लगभग हर बच्चे में होती है। इन कारणों से बच्चे में टूथ कैविटी के मामले अक्सर पाए जाते हैं। मुंह में खाना ज़्यादा देर तक रखना या रखे रहना और मुंह में पहले से मौजूद बैक्टीरिया की वजह से दांतों की ऊपरी सतह पर प्लाक की परत बन जाती है। इससे इनेवल इस प्लाक में बसे कीटाणुओं की वजह से टूटने लगता है। इसी कारण दांतों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसे टूथ कैविटी कहते हैं। तो ऐसा ही एक कमेंट हमारे पास आया है अमित वर्मा जी की तरफ से, और ये लिखते हैं कि मेरे दोनों बच्चों के टीथ में कैविटी लग रही है, बताइए मैं क्या करूं। फ्रेंड्स, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो बच्चों में टूथ कैविटी या छोटे छोटे छेद गहरे हो सकते हैं, जिनका इलाज भी आसान नहीं होता है। इनमें काफ़ी दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कैविटी की गहराई को ध्यान में रखते हुए डेंटिस्ट दांतों में फ्लोराइड ट्रीटमेंट या फिलिंग या रूट कैनल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं, और ज़्यादा ही गंभीर मामलों में तो दांत निकलवाना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं बच्चों में टूथ कैविटी के कुछ मुख्य कारण। बच्चों में टूथ कैविटी का सबसे बड़ा कारण ज़्यादा शुगर और स्टार्च वाली चीज़ें खाना है। बच्चे चॉकलेट और कैंडी जैसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। अक्सर बच्चे मुंह में टॉफ़ी रखकर खेलते रहते हैं और फिर लापरवाही के कारण मुंह नहीं धोते। इससे काफ़ी देर तक दांतों में शुगर पार्टिकल लगे रहते हैं। ऐसे में लार के साथ प्लाक बनने लगता है और इनेमल को नुकसान पहुंचता है। इनेमल के टूटने से ही टूथ कैविटी बनती है। पहला कारण ये है दोस्तों कि दांतों की ठीक से सफाई ना होना, यानी कि बच्चे अक्सर जल्दी में ही रहते हैं और इसीलिए हर काम जल्दीबाजी में करते हैं। इसीलिए ठीक से ब्रश न करने से दांतों में अक्सर खाना फंसा रहता है। इस कारण से दांतों में सड़न और कैविटी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। फ्रेंड, दूसरा कारण ये है बैक्टीरिया बनना। बच्चे मुंह की सफाई पर ना तो ध्यान देते हैं और उसकी अहमियत समझते भी नहीं है। अक्सर कम पानी पीते हैं और खाने के बाद कुल्ला ना करने से मुंह में ज़्यादा बैक्टीरिया बनते हैं और मुंह के बैक्टीरिया ही प्लाक को बना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों में बैक्टीरिया लगने के कारण कैविटी बननी शुरू हो जाती है। फ्रेंड, तीसरा कारण यह है बच्चों के खान पान की आदतें। बच्चों का खान पान उनके दांतों की सेहत पर बहुत बड़ा असर डालता है। बच्चे ज़्यादातर मीठी चीज़ें ही पसंद करते हैं, जैसे कि चॉकलेट, जूस, मिठाइयाँ। अगर दांतों की अच्छे से सफाई ना हो तो इसके अलावा बच्चे जो भी खाते हैं या पीते हैं, जैसे ब्रेड, रोटी, यहाँ तक कि दूध तक, सबसे ज़्यादा दांतों पर प्लाक बना सकता है। तो इसलिए बच्चों को अपने खाने पीने का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, बच्चे खुद तो इतने समझदार होते नहीं हैं कि अपना ध्यान खुद रख सके, इसलिए उनके दांतों की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है, यानी कि अपने माँ बाप की होती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस नाउ कि आपके बच्चों के दांत में कैविटी क्यों लग जाती है। इसकी अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि बच्चों के दांत में होने वाली कैविटी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों के दांत की कैविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, इंजॉय करें। धन्यवाद।